स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी, क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने लिए हैं 400 ग्राम प्रॉन्स। इनको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, ऑनियन पाउडर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, गार्लिक पाउडर, ओरिगानो, सूजी, एग, मैदा या ऑल पर्पस व्हाइट फ्लावर। प्रॉन बनाते हुए इसकी क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये देखें, इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। स्पेशली जो इसमें सेंटर वेन होती है वो लाजमी रिमूव कर दीजिए। इसकी कुकिंग 3 स्टेप्स में होगी। अब हम एक बॉल लेंगे जिसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। प्रॉन्स को बॉल में डाल लेंगे, फिर तमाम इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। सॉल्ट 1/4 टीस्पून, सॉल्ट को कम लेंगे क्योंकि कोटिंग और एग वॉश में भी सॉल्ट जाएगा। ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। जब तक प्रॉन्स मैरिनेट होते हैं, इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। अब एक अलहदा बाउल में मैदा या ऑल पर्पस वाइट फ्लावर 1 प्याली शामिल करेंगे। अब शामिल करेंगे सॉल्ट 1/4 टीस्पून, सॉल्ट हम कम लेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ओरिगानो, 2 टेबल स्पून सूजी। सूजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें बहुत क्रंची बनते हैं सूजी की वजह से। बस अब इसे मिक्स कर लेंगे मिक्सर की मदद से। प्रॉन की कोटिंग तैयार है। अब हम एग वॉश तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक अलग से बाउल। अब इसमें शामिल करेंगे 1 एग, 1 टेबल स्पून मिल्क, 1/2 टी स्पून वाइट पेपर, 3/4 टी स्पून सॉल्ट। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह से एग वॉश तैयार हो गया है। अब प्रॉन की कोटिंग कर लेते हैं। देखिए नाज़रीन, 30 मिनट गुजर चुके हैं, प्रॉन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गए हैं। अब एक एक प्रॉन उठाकर पहले एग वॉश में डिप करेंगे, फिर कोट करेंगे इसे कॉर्नफ्लोर से, फिर दोबारा एग वॉश में डिप करेंगे, फिर अगेन इसे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे। देखिए इसमें कितने अच्छे कॉर्नफ्लोर के क्रम्स आ गए हैं। जबरदस्त। अब इसी स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। पहले एग वॉश, फिर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग, फिर अगेन एग वॉश और फिर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके इसे सेट कर लें। वन बाय वन इसी स्टेप को रिपीट करते हुए तमाम प्रॉन्स की कोटिंग कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप फ्राइंग की तरफ बढ़ेंगे। देखें नाज़रीन, प्रॉन्स की कोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए और फिर उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए आइए इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आइए नाज़रीन, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन बनाने के लिए इंग्रीडियंट नोट कर लीजिए। सॉल्ट 1/4 टीस्पून, ये आपके टेस्ट के ऊपर होता है। ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। कोटिंग बनाने के लिए मैदा 1 कप, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ओरिगानो 1 टीस्पून, सूजी 2 टेबलस्पून। एग वॉश बनाने के लिए एग 1, मिल्क 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून। ऑयल फ्राई करने के लिए अब एक बिग पैन में ऑयल शामिल करेंगे डीप फ्राई करने के लिए। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो प्रॉन डालेंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें प्रॉन डालेंगे। बहुत संभल के डालें क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। प्रॉन का कुकिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। बड़ी ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। हमें बिल्कुल इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। एक साइड से ये फ्राई हो गए हैं, अब इसका साइड चेंज कर लेंगे। बड़ा ही प्यारा इसका कलर आया है, ज़बरदस्त।
देखिए नाज़रीन कितना प्यारा सा कलर आया है। अब आइए हम इसे सर्व करते हैं। ज़बरदस्त, देखिए नाज़रीन क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार, इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज बनते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है इसकी कुकिंग का, सूजी की वजह से ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, आप इसे इंजॉय करें केचप के साथ। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर बेल आइकॉन बटन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। टेक केयर।